मुंबई में एनसीबी की टीम ने गोवा जा रहे एक शिप में छापेमारी की जिसमें ड्रग्स पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में बॉलीवुड फैशन और बिजनेस इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग के नाम शुमार होने की खबरें आ रही हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पार्टी में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम भी सामने आ रहा है। फिलहाल एनसीबी की टीम इस मामले में पूछताछ कर रही है। इसके अलावा 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंडिया टुडे मुताबिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि आर्यन खान पर किसी भी आरोप में मामले दर्ज नहीं किए गए हैं और न ही उन्हें अब तक गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि शनिवार को मुंबई के समुद्र में क्रूज पर चल रही एक ड्रग्स पार्टी में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया। खबरों के अनुसार यह जहाज मुंबई से गोवा जा रहा था। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में एक हरियाणा और एक दिल्ली का ड्रग्स सप्लायर भी शामिल है। इस पार्टी में हर किसी से 80,000 रुपये तक की रकम वसूली गई थी।